हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेवेन्यूज पर डिस्कशन किया था, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यूज क्या होती है। फाइन, इस लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे रिलेशनशिप्स बिटवीन TR, MR एंड AR, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू। लेकिन यहाँ पर रिलेशनशिप्स जो होती हैं वो डिफरेंट मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंगली होती है। एक मार्केट कंडीशन होती है परफेक्ट कंपटीशन, उसमें रिलेशनशिप्स एक्चुअली क्या होंगी, और एक मार्केट कंडीशन होती है इम्परफेक्ट कंपटीशंस, तो उसमें रिलेशनशिप्स क्या होंगे। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप्स बिटवीन टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, और वी कैन से इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। हमारा ये जो टॉपिक है ये है कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू, और रेवेन्यू के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फिजिकल आउटपुट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू। फिजिकल आउटपुट मींस जो भी गुड्स, जो भी कमोडिटी आपने प्रोड्यूस की है, जब आप उसको मार्केट में सेल करते हैं तो उससे जो भी अमाउंट आपको, ग्रॉस अमाउंट आपको रिसीव होती है, दैट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू। जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास ये मार्कर है और इस मार्कर की जो सेलिंग प्राइस है वो अगर 20 रुपीज है, तो अगर मैं 10 मार्कर सेल करूंगा तो दैट भी ₹200 ये हो जाएगी मेरी टोटल रेवेन्यू, ठीक है। लेकिन ये मेरा प्रॉफिट एक्चुअली नहीं होता, ये मेरी रेवेन्यू जनरेटेड है और इसके अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूडेड होती है, और जब मैं इस रेवेन्यू में से कॉस्ट को डिडक्ट करूंगा देन वी विल गेट व्हाट रिजल्टेंट वैल्यू विल बी द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। फाइन, तो देखिए ये हमारा रेवेन्यू होता है। रेवेन्यू मींस व्हाटएवर ग्रॉस अमाउंट व्हिच इज जनरेटेड बाय सेलिंग अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू। ये हमने रेवेन्यू पढ़ा था, ठीक। अब नेचुरली अगर हमें कोई प्रोडक्ट को सेल करना है तो हम मार्केट में जाकर के सेल करेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट मार्केट में सेल होता है, और याद रखिएगा मार्केट में जो सेल होगा तो एक स्पेसिफिक सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करना पड़ेगी, और ये जो सेलिंग प्राइस का डिटरमिनेशन होता है ना, ये होता है अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशन, कि आप स्पेसिफिकली किस मार्केट में बिजनेस कर रहे हैं, किस मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। अब ये वो मार्केट नहीं होता जो हम मार्केट हम बात करते हैं इस तरह का, नो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द फिजिकल मार्केट, एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट द मार्केट स्ट्रक्चर, के कौन से स्ट्रक्चर, किस टाइप के मार्केट में आप प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, और ये फिजिकल नहीं होता, ये ऑन द बेसिस ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक्स हम क्या करते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर का क्लासिफिकेशन और उनका डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो याद रखिएगा किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट की जो सेलिंग प्राइस डिटरमाइन होगी, क्योंकि वो हम मार्केट में बेच रहे हैं और हम ये देखेंगे हम किस टाइप के मार्केट में सेल कर रहे हैं, और अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशंस उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस जो होगी वो डिटरमिन होगी। आई होप इट इज क्लियर। फाइन, अब देखिए मार्केट कंडीशंस दो टाइप की होती है, एक होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, ठीक है, और एक होता है इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, ठीक है। ये दो टाइप की मार्केट कंडीशंस होंगी। फाइन, नाम से लग रहा है मैंने आगे कंपटीशन लगाया, तो देखिए यहां पर जो क्लासिफिकेशन है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, और कंपटीशन तब होता है जब बहुत सारे प्रोड्यूसर्स एक्चुअली मार्केट के अंदर होंगे, एक से ज्यादा प्रोड्यूसर्स होंगे तो कंपटीशन एक्चुअली क्रिएट होता है। फाइन, तो इसका मीनिंग ये होगा कि जो हमारा मार्केट का क्लासिफिकेशन है, मार्केट कंडीशन का जो क्लासिफिकेशन है, वो ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिशन होता है, और कॉम्पिटिशन तभी होगा जब नंबर ऑफ सेलर्स उसके अंदर होंगे और प्रोडक्ट बेसिकली कॉम्पिटेटिव प्राइसेस के ऊपर सेल होगा। फाइन, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट जो होता है इसके अंदर सेलिंग प्राइस जो होती है ये कॉन्स्टेंट रहती है, मीन्स नो चेंज इन सेलिंग प्राइस विल बी देयर। एक यूनिट पर अगर 10 रुपया है तो 10 यूनिट पर भी 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से ही वो प्रोडक्ट सेल होगा। आप 1 लाख यूनिट सेल करेंगे तो भी वो 10 रुपीज पर यूनिट के अकॉर्डिंगली ही मार्केट में सेल होगा, मीन्स नो चेंज इन रेवेन्यू और नो चेंज इन सेलिंग प्राइस विल बी देयर। फिर 1 यूनिट हो, 10 यूनिट हो, 100 यूनिट हो, 1000 यूनिट हो, मैं भी इसको आपको और इन डिटेल एक्सप्लेन करता हूं। फाइन, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर फिर अलग अलग टाइप के मार्केट्स आते हैं, इसमें एक होता है मोनोपोली मार्केट, ठीक है, एक डुओपोली भी होता है, और इसके अलावा एक होता है ओलिगोपोली और एक होता है मोनोपोलिस्टिक मार्केट, ठीक है। ये जो मार्केट है ये मार्केट कंडीशंस अपने आप में अलग ही होती है। मोनोपोली जिसके अंदर एक सिंगल सेलर होगा, मोनोपोली, डुओपोली बोला तो एक से ज्यादा सेलर्स होंगे। एनीवे, ये मार्केट कंडीशंस जो है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि वहां पर जो रिलेशनशिप्स होंगी वो इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अकॉर्डिंगली ही होंगी। राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग द रिलेशनशिप व्हेन वी आर सेलिंग द प्रोडक्ट इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन। जब भी हम परफेक्ट कंपटीशन में मार्केट में माल को बेचेंगे तो हमारे टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू के अंदर एक्चुअली रिलेशनशिप क्या होगी। तो पहले हम
इन डिटेल समझें कि ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है क्या। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जब तक हमको समझ नहीं आएगा, ये मार्केट कंडीशन हमको समझ नहीं आएगी, तब तक हम इस सेलिंग प्राइस के कंसेप्ट को नहीं समझ पाएंगे। तो पहले हम बात करेंगे अबाउट द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे परफेक्ट कंपटीशन एक्चुअली क्या होता है। परफेक्ट कंपटीशन मींस जिसमें सेलिंग प्राइस कॉन्स्टेंट होगी। देखिए, जब आप परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट के स्ट्रक्चर को समझ जाएंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि एक्चुअली इसमें सेलिंग प्राइस कॉन्स्टेंट एक्चुअली क्यों होती है। देखिए, तो पहले मैं आपको परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट के कुछ फीचर्स बताता हूँ। देखिए, ये एक ऐसा मार्केट है जिसके अंदर पहला फीचर इसका होता है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। वैसे ये जितने भी मार्केट कंडीशंस हैं, इससे रिलेटेड एक चैप्टर आएगा आगे डिफरेंट मार्केट कंडीशंस के नाम से, बट स्टिल मैं अभी आपको एक ओवरव्यू इनका बता दूं ताकि हमें ये सेलिंग प्राइस का कांसेप्ट इसमें समझ में आ जाए। देखिए, क्या बोला मैंने आपको कि एक ऐसा मार्केट है जहां पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होंगे। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एज वेल एज लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, बहुत सारे बायर बहुत सारे सेलर एक्चुअली यहां पर होते हैं, ढेर सारे बायर्स ढेर सारे सेलर्स होंगे। ठीक है, सेकंड होगा यहां पर प्रोडक्ट शुड बी व्हाट, होमोजीनियस। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट मार्केट में सेल हो रहा है, जितने भी प्रोड्यूसर्स मार्केट में प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, दैट प्रोडक्ट शुड बी होमोजीनियस। होमोजीनियस का मीनिंग होता है एग्जैक्टली सेम स्पेसिफिकेशन। Exactly same specification बोला means बिल्कुल same। ठीक है, सारे product जो सारे producer जिस specific product को बेच रहे हैं उनके बीच में जो specifications होती हैं, उसकी जो खासियत होती है, उनके जो features होते हैं, वो exactly same होना चाहिए। एक भी फीचर इधर से उधर नहीं जाएगा, इधर से उधर अगर थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हो गया तो फिर वो होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं होगा। मींस अगर आप कोई प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहे हैं तो उसकी क्वालिटी और उसका ब्रांड, उसकी प्राइस, सब कुछ एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। ब्रांड के अंदर भी फर्क नहीं आएगा। जैसे अगर हम बात करें आइसक्रीम्स की, और अगर आप वनीला आइसक्रीम सेल कर रहे हैं तो वनीला आइसक्रीम उस एक स्पेसिफिक कंपनी की ही होगी। अगर आप वाडीलाल की सेल कर रहे हैं तो सारे के सारे प्रोड्यूसर जो होंगे वो वाडीलाल की वनीला आइसक्रीम ही सेल करेंगे। अगर ब्रांड चेंज हो गया, आप बोलेंगे सर ब्रांड चेंज हो रहा है, टेस्ट तो चेंज नहीं हो रहा, तो भी फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, अगर कोई एक प्रोड्यूसर बाय चांस अमूल की एक वनीला आइसक्रीम सेल करने लगा तो फिर वो होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं कहलाता। होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है जिसका फीचर सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स सेम टू सेम होंगे, उसके अंदर एग्जैक्टली सेम, 1% भी उसके अंदर चेंज नहीं होना चाहिए, तभी जाकर के परफेक्ट कंपटीशन मार्केट बनेगा। तो ये एक ऐसा मार्केट है जिसके अंदर बहुत सारे बायर्स बहुत सारे सेलर्स होंगे और होमोजीनियस प्रोडक्ट इसके अंदर बिकेगा, मींस एग्जैक्टली सेम स्पेसिफिकेशन का प्रोडक्ट होगा। ठीक है, इसके अंदर एक कंसेप्ट होता है परफेक्ट नॉलेज। ठीक है, परफेक्ट नॉलेज का मीनिंग होता, अच्छा कौन नॉलेज रखेगा, परफेक्ट नॉलेज कौन नॉलेज रखेगा, बायर्स एज वेल एज सेलर्स। ठीक है, बायर्स ये जानते होंगे, बायर्स नोज अबाउट द नीड्स ऑफ द सेलर नोज अबाउट द नीड्स ऑफ द बायर। ठीक है, सेलर जानता है कि बायर अगर इस मार्केट में आएगा तो वो स्पेसिफिकली कौन सा प्रोडक्ट परचेस करेगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज परफेक्ट नॉलेज। इन द सेम वे बायर ये जानता है कि सेलर एक्चुअली कौन सा प्रोडक्ट सेल कर रहा है, और परफेक्ट नॉलेज बोला तो एट व्हाट प्राइस। ठीक है, किस प्राइस के ऊपर सेल कर रहा है। इसी तरह से सेलर भी ये जानता है कि बायर किस प्राइस पर स्पेसिफिक प्रोडक्ट को परचेस करेगा। ये याद रखिएगा, परफेक्ट नॉलेज होता है उस मार्केट में आने वाला हर बंदा जो है, हर बायर जो है, वो ये जानता है कि इस मार्केट के अंदर क्या प्रोडक्ट बिकेगा और किस रेट के ऊपर ये प्रोडक्ट बिक रहा है, कौन सा प्रोड्यूसर कौन सा प्रोडक्ट बेच रहा है। और वो मैंने कहा कोई कौन सा प्रोड्यूसर कौन सा प्रोडक्ट की तो बात ही नहीं होती, क्योंकि यहां पर प्रोडक्ट क्या होता है, होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है। फाइन, बिसाइड्स इसके अंदर होता है फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द प्रोड्यूसर। फ्री एंट्री एंड एग्जिट, फ्री एंट्री एंड एग्जिट का मीनिंग होता है जब चाहे कोई नया प्रोड्यूसर इस मार्केट में आकर अपना प्रोडक्ट मार्केट में सेल करना स्टार्ट कर सकता है, और जब चाहे कोई प्रोड्यूसर पुराना होगा तो वो मार्केट छोड़ करके जा सकता है। ठीक है, इस मार्केट में कंटिन्यूअसली प्रोड्यूसर्स आते हैं और कंटिन्यूअसली प्रोड्यूसर्स जाते हैं। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। फ्री एंट्री एंड एग्जिट मीन्स किसी भी प्रोड्यूसर को इस मार्केट में एंटर होने के लिए कोई खास स्पेशल टाइप की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कोई लाइसेंसिंग नहीं होती, कोई कोटा नहीं होता, कुछ भी कोई स्पेसिफिक परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। यहां पर जब चाहे
जो प्रोड्यूसर इस मार्केट के अंदर एंटर होकर अपना प्रोडक्ट सेल कर सकता है और जब चाहे इस मार्केट को छोड़ करके जा सकता है, ठीक है। उसके बाद इसमें एक होता है नो सेलिंग कॉस्ट। नो सेलिंग कॉस्ट का मीनिंग होता है कोई एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग की कॉस्ट नहीं होती। क्यों करेगा इंसान? उसको मालूम है कि भाई देखिए परफेक्ट नॉलेज है, सेलर ये जानता है कि बायर को पता है कि इस मार्केट में क्या प्रोडक्ट सेल हो रहा है और किस रेट से एक्चुअली सेल हो रहा है, तो वो क्यों सेलिंग कॉस्ट करेगा, क्यों एडवर्टीजमेंट, क्यों मार्केटिंग एक्चुअली करेगा। और बायर को जब पता है तो फिर सेलर को ये उसके लिए एडवर्टीजमेंट कॉस्ट जो होगी वो एक टाइप का क्या होगा, वेस्ट होगा, ठीक है। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे इस चैप्टर के लिए है, ऑल फर्म्स आर प्राइस टेकर्स, ठीक है। मैं और ज्यादा फीचर्स पर नहीं जाऊंगा अभी तो फिलहाल, जो हमारे काम के फीचर्स उस पर बात करेंगे हम। ऑल फर्म्स आर प्राइस टेकर्स। प्राइस टेकर का मीनिंग होगा यहां पर जो भी फर्म आएगी वो दूसरी फर्म्स की प्राइसेस को देखकर सेम टू सेम प्राइस यहां पर कोट करेगी। ज्यादा प्राइस कोट नहीं कर सकती, कम प्राइस वो कोट करेगी नहीं। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये एक स्पेसिफिक मार्केट है, ठीक है। अब स्पेसिफिक मार्केट में ए बी सी डी और ई फाइव सेलर्स मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं और ये कोई एक स्पेसिफिक वीट बेचते हैं किसी खास क्वालिटी का और उसकी प्राइस ये कोट करते हैं ₹25 पर केजी, ₹25 पर केजी से ये वीट बेच रहा है। अब नेचुरली ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट है तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, पांच सेलर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, ढेर सारे बायर्स रोज इस मार्केट के अंदर एंटर होते हैं और नेचुरली इस मार्केट के अंदर अगर कोई बायर एंटर हो रहा है परफेक्ट नॉलेज की वजह से, उसको पता है कि यहां पर क्या बिक रहा है, वीट बिक रहा है और एक स्पेशल क्वालिटी का वीट बिक रहा है, फाइन। वो कोई दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड वाला इंसान कभी इस मार्केट के अंदर एंटर होगा ही नहीं क्योंकि वो जानता है, परफेक्ट नॉलेज है कि भाई ये प्रोडक्ट के अलावा यहां कुछ मिलेगा ही नहीं। वीट मिलेगा तो एक ही क्वालिटी का, एक जैसा वीट ही अल्टीमेटली यहां पर मिलेगा, एक जैसा ग्रेन इसमें सब जगह मिलने वाला, ठीक है। और उसको ये बात भी पता है कि सारे के सारे प्रोड्यूसर्स ₹25 पर केजी से प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। अब मैंने फ्री एंट्री एंड एग्जिट बोला तो यहां पर क्या होगा, जब चाहे कोई एफ आ सकता है, जब चाहे कोई बीएससी मार्केट छोड़कर जा सकता है, कोई लाइसेंसिंग की, कोई स्पेशल परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आप आगे समझिए, इसमें प्राइस टेकर का मीनिंग होता है कि अगर मान लीजिए कोई एफ नाम का बंदा नया फॉर्म लेकर के आता है इस स्पेसिफिक मार्केट में, तो वो मार्केट में आने के बाद प्रोडक्ट को बेचने से पहले सारे प्रोड्यूसर्स की प्राइसेस का पता करेगा। और मैंने क्या कहा कि यहां पर प्राइसेस जो होती हैं सब सेम चलती हैं क्योंकि जब प्रोडक्ट सेम तो प्राइसेस भी सेम और बायर को परफेक्ट नॉलेज है, अगर आपने प्राइसेस बढ़ाई तो बायर आपके पास से भाग जाएगा। उसको पता है कि पूरे मार्केट में स्पेसिफिक प्रोडक्ट ₹25 पर केजी पर सेल हो रहा है तो एफ को भी मजबूरी में ₹25 पर केजी प्राइस ही कोट करना पड़ेगी। अगर इसने प्राइस 25 से 26 भी कोट की तो पहले ही तो नया सेलर है और कोई नहीं आएगा इसके पास क्योंकि बायर जानता है परफेक्ट नॉलेज में कि पूरे मार्केट में ये स्पेसिफिक वीट ₹25 पर केजी के रेट से मार्केट में सेल हो रहा है और जब ₹25 पर केजी के मार्केट रेट पे सेल हो रहा है तो मुझसे ₹26-27 में कौन परचेस करेगा। अच्छा, फिर माइंड में सवाल पैदा होता है कि सर चलो 25 नहीं 24 कर दे, ₹24 में बेच दे फटाफट से, तो सारे ग्राहक क्या होंगे, इनके पास से सारे ग्राहक भाग करके इसके पास आ जाएंगे, तो नो डाउट आ जाएंगे, लेकिन फिर उस कंडीशन में इसको लॉसेस होने लग जाएंगे। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में सारे के सारे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो ब्रेक इवन के ऊपर माल को सेल करते हैं। अब ये ब्रेक इवन क्या, ये मैं आपको आगे के लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर दूंगा। राइट नाउ अभी हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, वैसे ही लेक्चर ऑलरेडी लंबा हो चुका है तो हम रिलेशनशिप्स के ऊपर कब जाएंगे, ठीक, फाइन। तो देखिए इसमें तो मैंने आपसे कहा कि यहां पर फर्म प्राइस टेकर होती है, बस ये जो सबसे बड़ा फीचर है। आई होप आपको ये फीचर सारे क्लियर हो गए होंगे, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, मैं स्क्रीनशॉट ले लें आप उसमें, ठीक है। तो मैंने ये कहा था कि यहां पर सारी फर्म प्राइस टेकर्स होती हैं, ठीक है। प्राइस टेकर होती हैं जब वो मार्केट में एंटर होंगी या मार्केट में अगर ऑलरेडी है तो वो ये देखेंगी कि मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है। मार्केट में प्राइस ₹25 पर केजी चल रहा है तो हर प्रोड्यूसर, जो भी नया प्रोड्यूसर आएगा या उस मार्केट में ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग प्रोड्यूसर्स है वो सबके सब ₹25 पर केजी के रेट से ही प्राइस को कोट करेंगे। प्राइस ना बढ़ा सकते हैं ना कम कर सकते हैं। अब इस मार्केट कंडीशन में प्रोडक्ट चाहे आप एक बेचो, 10 बेचो, 100 बेचो, 1 लाख बेचो, आपकी प्राइस अगर ₹25 है तो ₹25 ही रहने वाली है। उसके अंदर प्राइस के अंदर कोई भी चेंज एक्चुअली नहीं आएगा।
तो अब रिलेशनशिप कैसे बनेगी, तो पहले हम उससे पहले रेवेन्यू स्केड्यूल इसका बनाते हैं, ठीक है। तो हम देखें यहां पर रेवेन्यू स्केड्यूल क्या रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ व्हेन परफेक्ट कंपटीशन। तो यहां पर हमारी आ गई यूनिट्स सोल्ड, ठीक है, कितनी यूनिट्स हमने अल्टीमेटली बेची और उसकी सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब मान लें कि हमारी यूनिट सोल्ड 1, 2, 3, 4 और 5, ज्यादा नहीं बढ़ाते इसके अंदर, हमारी सेलिंग प्राइस है 25 रुपया पर यूनिट का, ठीक है। और मैंने क्या कहा, क्योंकि फर्म प्राइस टेकर्स है तो ये लोग प्राइस को चेंज नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते, कम करेंगे तो लॉस में जाने लगेंगे, बढ़ा देंगे तो कस्टमर इनके पास से भाग जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो मार्केट होता है ये परफेक्टली इलास्टिक मार्केट होता है, इसमें इलास्टिसिटी बहुत हाई होती है। आपने प्राइस 1 रुपया भी बढ़ाई तो आपके सारे कस्टमर भाग जाएंगे और दूसरे जो दूसरे प्रोड्यूसर्स हैं उनके पास जाकर के प्रोडक्ट को परचेस करेंगे, ठीक है, फाइन। अब देखिए टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, सेलिंग प्राइस इनटू एन, सेलिंग प्राइस को एन से मल्टीप्लाई करते जाओ, एक यूनिट 25 रुपए से तो टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट होगा आपकी फॉर्म का, 25 रुपया, ठीक है। दो यूनिट 25 से टोटल रेवेन्यू 50, टोटल रेवेन्यू 75, टोटल रेवेन्यू 100, टोटल रेवेन्यू 125, फाइन। अब इसी से अगर मैं यहां पर मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट करूं तो फॉर्मूला फॉर मार्जिनल रेवेन्यू विल बी TRN - TRN - 1, इससे पहले तो कुछ है नहीं, 0 यूनिट के ऊपर तो मार्जिनल रेवेन्यू या टोटल रेवेन्यू भी 0 होगी, तो 25 इटसेल्फ, फिर 50 - 25 - 25, 75 - 25 - 25, ठीक है, और फिर अगेन 25 and 25, ठीक, फाइन। और अगर हम इसका एवरेज रेवेन्यू निकालें तो एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एन देखे, इज 25 डिवाइडेड बाय 1 इज 25, 50 डिवाइडेड बाय 2 इज 25 25 25 and 25। आप टेबल देखकर इंटरप्रिटेशन तो आगे से ज्यादा कर सकते हैं। इट मींस इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट व्हेन सेलिंग प्राइस रिमेंस कांस्टेंट, सेलिंग प्राइस, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू विल बी द सेम, ये क्या होगी, हमेशा सेम रहे। और टोटल रेवेन्यू जो इंक्रीज होगी वो एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होगी बिकॉज सेलिंग प्राइस आर सेम। तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं तो मेरा ग्राफ ये इस तरह से आना चाहिए। देखिए ये मेरा जीरो पॉइंट ऑफ ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहां पर आ जाएगा मेरा रेवेन्यू, इधर आ जाएगा मेरा यूनिट सोल्ड, ठीक है, फाइन। इधर आया 1, 2, 3, 4 and 5, ठीक है, ये 4 और इधर यहां ले लेता हूं मैं 5, चले जी। उसके बाद अगर मैं रहता हूं रेवेन्यू, तो 25 50 75 100 125 150 and 175, ठीक, फाइन। अगर मैं टोटल रेवेन्यू का ग्राफ प्लॉट करूं, ठीक है, टोटल रेवेन्यू ब्लू मार्कर से बनाता हूं, 1 पर 25, 2 पर 50, 3 पर 75, 4 पर 100, 125 और 150, ऐसा चलेगा। Now this is my total revenue. और total revenue याद रखिएगा, ये 45 degree का angle cut करेगा, क्योंकि total revenue constant speed से increase होता है, ठीक है। तो एक interpretation हो गया, in case of perfect competition, total revenue increases at constant rate. एक constant rate से increase होता है, और total revenue curve जो होता है, वो 45 degree का angle लिया हुआ होता है, fine? चलिए जी, ये हो गया। अब यहीं से अगर आप इसमें एवरेज रेवेन्यू, सेलिंग प्राइस या मार्जिनल रेवेन्यू को बनाते हैं, तो देखें अब मेरा मार्जिनल रेवेन्यू 1 पर कितना है, 25, 2 पर 25, 3 पर 25, 4 पर 25, 5 पर 25, तो ये हो गया मेरा मार्जिनल रेवेन्यू। एंड सेम विल बी द एवरेज रेवेन्यू, सेम विल बी द सेलिंग प्राइस। इसका मीनिंग क्या होगा कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जब सेलिंग प्राइस कॉन्स्टेंट होगी, in that case marginal revenue and average revenue will be equal to the selling price, aur jo graph banega, graph will be a straight line which will be parallel to the x axis, jo x axis ke parallel banegi, theek hai, aur iske parallel hone ki wajah se hi isme constant increment aur constant increase ho raha hai, constant rate se increase ho raha hai. If selling price is increases, if selling price is constant, total revenue will increase at increasing rate. Total revenue will increase at constant rate. और because of constant rate वो क्या करेगा, ना flatter होगा ना steeper होगा, एक constant rate से बढ़ रहा है तो 45 degree का angle लिए हुए होगा, एक straight diagonal line creating an angle of 45 degree. 45 डिग्री के एंगल को क्रिएट करेगा, ये आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम इसके रिलेशनशिप लिख सकते हैं, क्या रिलेशनशिप क्या, अभी तो हमको यहां पर शो करना है, ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू
एंड एवरेज रेवेन्यू आर सेम, ठीक है। इसमें क्या होगा, एम आर और ए आर हमेशा क्या होगी, सेम होगी। टी आर जो होगा इंक्रीजेस एट कॉन्स्टेंट रेट, टी आर क्या होगा, एक कॉन्स्टेंट रेट से इंक्रीज होगा, बिकॉज क्यों होगा ये, बिकॉज सेलिंग प्राइस इज कॉन्स्टेंट। और सेलिंग प्राइस कॉन्स्टेंट क्यों होगा, क्योंकि फर्म्स आर द प्राइस टेकर्स, यहां पर फर्म प्राइस टेकर्स होती है, प्राइस मेकर्स नहीं होती। मेकर तो किसमें होंगी, आपके आगे जो इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन नेक्स्ट लेक्चर में आएगा उसके अंदर होती है, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली के अंदर एक्चुअली होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा, उसके बाद आप यहां लिख सकते हैं टी आर क्रिएट्स एन एंगल ऑफ क्या 45 डिग्री, 45 डिग्री होगा, कॉन्स्टेंट रेट से इंक्रीज होगा, स्ट्रेट लाइन होगी कॉन्स्टेंट रेट से, फाइन। तो ये हमारा रिलेशनशिप थी बिटवीन टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू व्हेन सेलिंग प्राइस रिमेन्स कॉन्स्टेंट। और मैंने आपको जैसा बताया सेलिंग प्राइस कॉन्स्टेंट कौन से मार्केट कंडीशन में होगी, तो दैट विल बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में होगी, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर फर्म्स आर द प्राइस टेकर, सेलिंग प्राइस कॉन्स्टेंट रहती है और कोई भी फर्म प्राइस को चेंज नहीं कर सकती, उसको वही प्राइसेस फॉलो करना पड़ेगी जो मार्केट में ऑलरेडी एक्जिस्टिंग प्राइसेस चल रही। तो साहब ये हमारा था रिलेशनशिप, आई होप आपको ये रिलेशनशिप क्लियर होगी। फिर भी अगर कोई क्वेरी है, डाउट आपको लगती है, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, जब चाहे आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जितनी जल्दी होगा उसको पढ़कर रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगता है तो अपने फ्रेंड्स, कलीग्स और क्लासमेट्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी लेक्चर्स।